नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। रांची में T20 सीरीज का दूसरा मैच होना है। इंडियन टीम और न्यूजीलैंड दोनों ही टीमें आज पहुंच गई रांची। रांची में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला इस दौरान। बस से जब टीम उतर रही थी उसे उसके इर्द गिर्द काफी भीड़ जुटी हुई थी। हालांकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से बैरिकेटिंग की गई थी, लोगों को दूर ही रखा गया था। तो दूर से ही लोगों ने टीम इंडिया के प्लेयर्स और न्यूजीलैंड के प्लेयर्स का दीदार किया। जी हाँ, तो रांची की बात बता रहे हैं, कल महत्वपूर्ण मैच होना है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं रांची की, जो रांची से हमारे पास तस्वीरें आई कि जब टीम इंडिया और न्यूजीलैंड पहुंची रांची तो कैसा नजारा था वो आप देखिए। उसके बाद आपको बताएं, थोड़ा सा चर्चा यहाँ करते हैं। सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा की बात करने हम नहीं बैठे हैं, हम थोड़ी सी बात बताने को बैठे हैं, थोड़ा आंकड़ों की बात कर लेते हैं, क्योंकि कल मैच होना है, महत्वपूर्ण मैच होना है। सीरीज में 1-0 की बढ़त टीम इंडिया ने बना रखी है और अब रांची के जो मैदान में मैच होना है काफी महत्वपूर्ण है सीरीज के लिहाज से भी। अगर दूसरा मैच जीत जाती है टीम इंडिया तो सीरीज जीत जाएगी, T20 वाली सीरीज। तो आपको बताएं, इंडियन टीम का रिकॉर्ड, 4 साल बाद यहां मैच हो रहे हैं। जो रांची का SCA स्टेडियम है वहां T20 मुकाबला हो रहा है। 4 साल बाद ये T20 मुकाबला हो रहा है इस स्टेडियम में, और यहां पर जो इंडियन टीम का रिकॉर्ड रहा है वो 100% है, यानी टीम की जीत पक्की लग रही है। पिछले रिकॉर्ड को देखे तो 100% जीत का है। और आखिरी मुकाबले में इंडियन टीम जो यहां हुई थी पहले, 8-4 साल पहले ये मुकाबला हुआ था, तो उसमें ऑस्ट्रेलिया को भी मात दी थी टीम इंडिया ने। तो आपको बताएं थोड़ा सा आंकड़ा, जो है टीम जो पहुंची है सीधे जयपुर से रांची पहुंची है, और आज अब कल यहां पर मैच खेला जाएगा। और JSCA में अपने रिकॉर्ड को बरकरार रखने के लिए टीम इंडिया पूरा जोर लगाएगी। तो हम आपको बताएं कि 100% रिकॉर्ड रहा है, अब तक T20 मैच दोनों खेले हैं, दोनों में जीत दर्ज की है इंडियन टीम ने। पहला T20 मुकाबला 12 फरवरी 2016 को भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया था, जिसमें टीम इंडिया ने 69 रन से जीत दर्ज की थी। और दूसरे T20 मैच की बात करें तो 7 अक्टूबर 2017 को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था, जिसमें भारत ने कंगारू टीम को 9 विकेट से हराया था। यानी रिकॉर्ड 100% का है। तो ये आपको थोड़ा सा पीछे ले चलते हैं, जो पिछला मैच जो 4 साल पहले यहां खेला गया था टीम इंडिया का, 6 ओवर में लास्ट में आखिरी में 48 रन बनाने थे। तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए T20 मुकाबले में बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलियन टीम ने 18.4 ओवर में 8 विकेट खोकर 118 रन बनाए थे। इसके बाद बारिश ने मैच रोक दिया था। बारिश के कारण टीम इंडिया को 6 ओवर में 48 रन का रिवाइज टारगेट दिया गया और टीम इंडिया ने 5.3 ओवर में ही टारगेट चेज करके 49 रन बना लिए थे। तो ये मैच 9 विकेट से जीत गया था। तो आपको पुरानी बात बताया हमने, और अब एक बार फिर मैच होना है, नया मैच है, नई चुनौती है। और न्यूजीलैंड टीम जो मजबूत भी है, क्योंकि T20 के फाइनलिस्ट है, और उसने जो फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से उसे हार मिली है, लेकिन न्यूजीलैंड टीम का प्रदर्शन भी दमदार था। तो चुनौती जबरदस्त है और कल के मैच के लिए जबरदस्त उत्साह भी है रांची में। तो बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।